आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन ने न्यूज मेरा नाम है दीपक गुप्ता जानकारी दे दे उत्तर प्रदेश की सियासी सत्ता में स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान के बाद से चर्चाएं काफी जोरों पर है इस बीच मायावती ने भी कई खुलासे किए थे जो आप सभी के सामने रखना चाहेंगे जो स्वामी प्रसाद मौर्य की हकीकत को बया करता है कि कैसे स्वामी प्रसाद मौर्य का जो राजनीतिक सफर रहा वैसे तो शानदार रहा लेकिन कई बार उतार चढ़ाव आए और कई नेताओं को धोखा देते हुए ये इस मुकाम पर पहुंचे कि सपा के महासचिव बनते नजर आए और आज रामचरित मानस जैसे बड़े मुद्दे पर अपनी बात रख रह रहे हैं तो उस बात का समर्थन तो नहीं कर रहे अखिलेश यादव लेकिन इनका समर्थन जरूर कर रहे हैं और इनको महासचिव का पद देना अपनी पार्टी से आ, कुछ नेताओं को निष्कासित कर देना इस बात का इशारा कर रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य किस कद काठी के नेता हैं एक बाहुबली नेताओं की लिस्ट में इनकी गिनती होती है यहाँ पर आप जानकारी देते चलें मायावती ने एक समय पर यह खुलासा किया था पहले तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने यह ख़ुलासा किया था कि जब बसपा में ये शामिल हुए थे तो मायावती मुख्यमंत्री बनी थी और मायावती इनकी वजह से ही मुख्यमंत्री बनी थी ऐसा इनका बयान था स्वामी प्रसाद मौर्य का लेकिन फिर मायावती ने यह खुलासा किया कि इनकी वजह से हम मुख्यमंत्री नहीं बने इनके कहने पर हम मुख्यमंत्री नहीं बने हमारी खुद की एक ताकत थी हमारी खुद की एक पहचान थी बल्कि हमने इनको एक नया मौका दिया था जब बहुजन समाज पार्टी में स्वामी प्रसाद मौर्य शामिल हुए थे तो इनकी किस्मत चमक उठी थी लेकिन जब बीजेपी में थे तो पाँच साल इन्होंने जैसे तैसे काटे क्योंकि बीजेपी इनका बोझा ढो रही थी और फिर जैसे ही चुनाव का समय आया इन्होंने सपा पार्टी का पकड़ लिया तो उसी तरीके से यहां पर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं यहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर हाँ बातें तो ले क्या, क्या, क्या कदम उठा सकते हैं आपको बता दें जब ये बीजेपी छोड़ चुके थे और सपा में शामिल होने वाले थे ऐसी कुछ खबरें भी थी बीजेपी में शामिल होने से पहले भी ऐसी खबरें थी कि खुद की पार्टी बनाना चाह रहे थे लेकिन तब उसमें सक्सेस नहीं प्राप्त कर पाए थे और अब इनकी कहीं ना कहीं सोच

लोकसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे नेताओं की तो कीमत बढ़ जाती है जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य के पास एक बड़ा दमखम है स्वामी प्रसाद मौर्य और सामने से बीजेपी के केशव प्रसाद मौर्य तो दोनों में ही यहाँ पर कह सकते हैं एक घमासान हो सकती है दोनों के बीच टक्कर हो सकती है दोनों ही बयानबाजी में आगे हैं वैसे ही स्वामी प्रसाद मौर्य भी मायावती को घेर रहे हैं लेकिन देखते हैं इस जुबानी जंग में कौन बाजी मारता है या फिर अखिलेश यादव का एक फैसला स्वामी प्रसाद मौर्य को पार्टी का बाहर का रास्ता दिखाता है देखना बेहद दिलचस्प रहेगा बने बनने चैनल के साथ ऐसी और तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद